राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 200 से आगे। एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। करि पूजा ने वेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तह वा चल आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहां पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। इहां उहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। देखि राम जननी अकुलानी, प्रभु हसि दीन मधुर मुस्कानी। देख राव मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावई जाही, देखी भक्ति जो छोरई ताही। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मोदी चरण निसिरुपनावा। विस्मय बंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। अस्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनुमाई। बार बार कौसल्या, विनय करई कर जोरी। अब जनि कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख कर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौसल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया आप कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय
परिजन सुखदाई, चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा, मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ अचिर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा, कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुकु प्रभु चलहिं पराई, निगम नेति शिवंतन पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित इत उताव सरुपाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई, बाल चरित अति सरल सुहाय, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज स्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला, करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई, कौसलपुर वासी नर नारी वृद्ध रुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर से बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौसल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं, जिसका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया माताओं ने हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं से में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं।
कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग या नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिय जानी, दिन प्रति नप ही देखा वही आनी। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञानुसरही। जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। प्रात काल उठि कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षई मन राजा। व्यापक अकल अनिहज, निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र रूप। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निसाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निसिचर पापी। तब मुनिवर मन की न बिचारा, प्रभु अवतरयो हरन मही भारा। एहु मिस देखो पद जाई, करी विनति आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुनयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकल निरवयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र गाकर बखान कर मैंने कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउ ले भी प्रसमाजा। करि दंडवत मुनि ही सन मानी, निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारी की नति पूजा, मो समाजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा।
पुनि चरननी मेले सुत चारी। राम देखी मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरन शशि लोभा, तब मन हर्षि बचन कहराऊ। मुनि अस कृपा न की नहीं कीन्ही हुकाऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावहु बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयउ नप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर बध में होव सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को इनकह अति कल्याण। सुनि राजाति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहेउ बिचारी। मागौ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देउ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई सौ मुनि देउ निमिषेक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निसिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पितान नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि ने अपने देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत प्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उसमें भी हे प्रभो, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा कि हे नाथ, ये मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं।
राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के जल माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पिता तजेउ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करिधाई। एक ही बाण प्राण हरिलीना, दीन जानित ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन छुदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रमानी। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जानी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपुरे मख की रखवारी। सुनि मारीच निसाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरबान राम तेहि मारा, सत जो जन जा सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निसाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहिं देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे भी प्रजद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ते नाही। पुना पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। भगवान के सुंदर लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वह सौयोजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। रघुनाथ जी ने कुछ दिन
और रहकर ब्राह्मणों पर वहां दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुषज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। छंद। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जल धार भई धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई मुनि श्राप जो दीनाती भल कीना परम अनुग्रह में माना देखें भरी लोचन हरि भव मोचन इही लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मांगौ बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोबरु पावा गए पति लोक आनंद भरी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सट तेहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा, इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभो, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रच के
प्रेम रूपी रस का सदा सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधुओं और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, उन्हीं का भजन कर। मास पारायण, सातवां विश्राम, दोहा 211। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओम।